राहुल गांधी राहुल राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगना चाहिए, लगना चाहिए, लगना चाहिए। ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये मूड ऑफ नेशन जिसे कहते हैं, ये जन जन की आवाज़ है। खान हम इनका तो बात ही नहीं कर सकते, ये तो देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ रुके हुए हैं और ये तो उन लोगों के साथ चलते हैं। ये राहुल गांधी तो उन लोगों के साथ चलते हैं, कहते मैं इस धरती पर पैर नहीं रखता, जूते पहनता हूँ। क्यों? कि ये बड़ी गंदी धरती है, यहाँ का खाते हैं और यहाँ का अहित करते हैं। जो बांग्लादेश में हमारे सनातनी भाइयों के साथ हो रहा है, जो मानवता के खिलाफ हो रहा है, चाहे सनातनी है चाहे कोई और भी किसी धर्म का हो, तो हम तो चाहते हैं, हम तो सनातनी हैं, ये देश राम का है, हम राम के वंशज हैं। हमें तो यही बताया गया, जियो और जीने दो, किसी का अहित नहीं करेंगे। देखिए ममता बनर्जी जो है, उसका नाम तो ममता है और ना तो उसके अंदर ममता है, वो ममता बानो कहा जाए। वो इतनी निर्दयता से सनातनियों का नरसंहार करवा रही है, खुद खड़े उसके कार्यकर्ता कल रात को एक डॉक्टर का। देखिए जी, बंगाल का तो इतिहास ही रहा है ममता बनर्जी जी का। उन्हें एक ही व्यक्ति को टारगेट करना होता है, उन्हें राष्ट्रवादियों को टारगेट करना होता है। तो अब क्या है, अभी पिछले दिनों में भी वहाँ पे ऐसी कई गैर हिंदू घटनाएं हुई जिन्हों को मैं हिंदुओं को निशाना बनाने का कार्य किया गया। बंगाल की जो स्थिति स्थान दयनीय है, वहाँ के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और वहाँ पर पूरी तरह से डेवलपमेंट विकास जो रुक रही है उसकी गति, उसको निरंतर दिशा मिलनी चाहिए, वो राष्ट्रपति शासन से ही संभव है। वहाँ एक तरह से गुंडा राज चल रहा है। दिल्ली में इस समय लाखों लोग, लाखों हिंदू सड़कों पर है, हो रहे बांग्लादेश में अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर हैं, हो रहे बंगाल में अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर है। लेकिन ये जो इस समय लोग इस समय सड़कों पर हैं, ये सभी सीमाएं जो है लांग करके लोग यहाँ आए हैं। मेरे कहने का मतलब है, जैसे मेरे साथ इस समय जो शख्स मौजूद हैं दिव्यांग हैं, उसके बावजूद इस प्रोटेस्ट मार्च में, जो कि एक 2.5 से 3 किलोमीटर लंबा प्रोटेस्ट मार्च था, उसमें पूरे प्रोटेस्ट मार्च में जो है पैदल चले हैं अपनी दिव्यांगता के साथ, इनसे बात करेंगे। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुनीत है और दुख की बात है, बड़ा मतलब जो बांग्लादेश में हमारे सनातनी भाइयों के साथ हो रहा है, जो मानवता के खिलाफ हो रहा है, चाहे सनातनी है चाहे कोई और भी किसी धर्म का हो, तो हम तो चाहते हैं, हम तो सनातनी हैं, ये देश राम का है, हम राम के वंशज हैं। हमें तो यही बताया गया, जियो और जीने दो, किसी का अहित नहीं करेंगे, किसी को नहीं, किसी का धर्मांतर नहीं करेंगे, किसी के ऊपर गाली भी नहीं देंगे, किसी की आत्मा नहीं दुखाएंगे। तो ये भैया हमारे देश में कश्मीर में जो हिंदुओं सनातनियों के साथ हुआ, बंगाल में हो रहा है, केरला में हो रहा है, देश के कई हिस्सों में हो रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। और जो बंगाल में बांग्लादेश में हो रहा है, वो तो बहुत ही दर्दनाक है। रोज़ पाकिस्तान में बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? ये लोग अपनी दुष्टता, ये अपनी जितना आक्रमणता, ये जो कर रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, इसका हम विरोध करते हैं। आज हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में हम सभी सनातनी इकट्ठे हो गए, अपना एकता मार्च निकाल रहे हैं और हम किसी को गाली नहीं दे रहे किसी का। बंगाल का आपने जिक्र किया, बंगाल में अभी जो लगातार कानून व्यवस्था चरमराई है, एक बेटी के साथ अभी जघन्य अपराध हुआ, लेकिन कल इस मामले में ममता बनर्जी ने फिर से अपना वो रंग दिखा दिया है। कल उन्होंने कहा जो वहाँ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, वो प्रदर्शन के पीछे वाम और राम है, सीधे तौर पर उनका फिर से जो भगवान राम के प्रति नफरत है वो सामने आ गई, इस पर क्या कहेंगे? देखिए ममता बनर्जी जो है, उसका नाम तो ममता है और ना तो उसके अंदर ममता है, वो ममता बानो कहा जाए। वो इतनी निर्दयता से सनातनियों का नरसंहार करवा रही है, खुद खड़े उसके कार्यकर्ता। कल रात को एक डॉक्टर का मौन एक चल रहा था, साइलेंट होके बैठे, लेकिन उन्होंने कहा ये तो वाम और राम ने किया। ना 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 ना, ना तो राम ने कहा ना ये कृष्ण ने कहा, ये तो सनातन है। सनातन तो किसी को कहता है कि जियो और जीने दो। दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं, आश्रय पाते हैं, चाहे अफगानिस्तान में हुआ नरसंहार, वहाँ के लोग यहाँ आए, उनको आश्रय दिया, सुरक्षा दी, उनको भोजन दिया, व्यवस्था करी रहने की, लेकिन किसी को मारा नहीं। लेकिन अब देखे कि ये तो सब जानते हैं कि सनातन क्या कहता है, जियो और जीने दो। अब लोग ममता क्या कहती है, उनकी बात का तो कोई विश्वास नहीं करता। जो लोग राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं और राहुल गांधी नहीं गए अब तक, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए राहुल गांधी राहुल खान हम इनका तो बात ही नहीं कर सकते, ये तो देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ रुके हुए हैं और ये तो उन लोगों के साथ चलते हैं। ये राहुल गांधी तो उन लोगों के साथ चलते हैं, कहते मैं इस धरती पर पैर नहीं रखता, जूते पहनता हूँ। क्यों? कि ये बड़ी गंदी धरती है, यहाँ का खाते हैं और यहाँ का अहित करते हैं।
और ये तो इनका तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आज सनातन जाग रहा है। ये सरकार जो है, जो अपने भारत सरकार है, वो पूरा इसको संरक्षण दे रही है कि भैया हमारा नरसंहार बंद करो हिंदुओं का। उसके लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगना चाहिए, लगना चाहिए, लगना चाहिए। ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये मूड ऑफ नेशन जिसे कहते हैं, ये जन जन की आवाज़ है। क्योंकि लोग इतने अत्याचार हो चुके हैं, उससे लोग परेशान हो चुके हैं, लोग रो रहे हैं। और लेकिन कहते हैं ना, रावण का भी अंत हुआ था, बहुत विद्वान था, दुनिया में बहुत ताकतवर था, इसी तरह इसका भी, बंगाल सरकार का भी अंत होगा। हम इंतजार करेंगे और जय श्री राम, भारत माता की जय। दिल्ली में आज सड़कों पर लाखों हिंदू उतर पड़े हैं, पूरा सैलाब इस समय जो है दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। क्या ये मैसेज देने का प्रयास है उन इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को जो बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार पर चुप हैं, हिंदुओं पर हो रही एट्रोसिटीज़ पर चुप हैं? ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जब मातृशक्ति, हमारे देश की मातृशक्ति जागेगी, तो एक छोटा सा मैसेज है सभी इंटरनेशनल देशों को, सभी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को, कि हिंदू कितना मजबूत है। और अगर किसी भी देश में हिंदू को अल्पसंख्यक बनाकर इस तरह उसके साथ अत्याचार किया जाएगा, तो ऐसे एक रैली नहीं, ऐसी हजारों रैलियों का मैसेज हिंदू इकट्ठा होकर, एकत्रित होकर देगा। जिस इस्कॉन टेंपल ने वहाँ 6 महीने तक लोगों को खाना खिलाया था, जब ये कट्टरपंथी आगे निकले, सबसे पहले उसी मंदिर को निशाना बनाया जिसने इनको खाना खिलाने का काम किया था। देखिए, ये तो एक साजिश, पूरा का पूरा माहौल क्रिएट करके, मंदिरों के खिलाफ साजिश करके मंदिरों को तोड़ने की साजिश थी पहले से। क्योंकि अगर इस तरह की साजिश और प्लान पहले से ना तय होते, तो वो एक एक तरह से उस मंदिर को टारगेट नहीं करते और डायरेक्ट ही इसको, उन मंदिर को तोड़ने का कार्य नहीं करते। जिस मंदिर ने पालन पोषण किया और खिलाया, उस मंदिर को तोड़ने का कार्य किया। उसके अलावा अगर हम देखें बांग्लादेश से थोड़ा इधर आ जाएं, बंगाल में जहां ममता बनर्जी सरकार है और जघन्य अपराध एक बेटी के साथ हुआ, कल फिर से ममता बनर्जी की सोच सामने आ गई है। वहां जो हिंसक प्रदर्शन करके सबूत मिटाने का प्रयास था, उसको लेकर ममता बनर्जी ने कहा है कि ये सब वाम और राम के लोगों ने किया है, यानी कि वो फिर से सीधे टारगेट पर भगवान राम को ला रही है। देखिए जी, बंगाल का तो इतिहास ही रहा है ममता बनर्जी जी का, उन्हें एक ही व्यक्ति को टारगेट करना होता है, उन्हें राष्ट्रवादियों को टारगेट करना होता है। तो अब क्या है, अभी पिछले दिनों में भी वहाँ पे ऐसी कई गैर हिंदू घटनाएं हुई जिनों को मैं हिंदुओं को निशाना बनाने का कार्य किया गया। तो इस तरह की घटनाएं बंगाल में नहीं नहीं है, बस समय इतना है कि अब हिंदू जाग चुका है और अब वहाँ की घटनाएं हम सब लोगों के सामने आने लगी है। दो जो भाई बहन हैं भारतीय राजनीति में, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का पूरा नारा था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, अभी ना तो वो कहीं दिखाई दे रही हैं, लड़ना तो खैर दूर की बात है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी हर छोटे मुद्दे पर एक एक मिनट में, हिंडनबर्ग कुछ बोलेगा तो उनकी वीडियो आ जाएगी, हाथरस पहुँच जाएंगे, बंगाल नहीं पहुँच रहे हैं वो, क्योंकि वो हिंदुओं के लिए बोलेंगे ही नहीं। एक वक्त तो वो कहते हैं कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ, लेकिन उसके बाद जब हिंदुओं की बारी आती है तो वो ऐसे हाथ खड़े कर देते हैं, हमारे पास कुछ नहीं, अपना हाथ दिखा देते हैं कांग्रेस का, ये मुद्रा है शंकर, बस, और उनके पास कुछ नहीं है। वो हिंदुओं के लिए कभी आगे नहीं आएंगे, हिंदुओं के लिए कभी नहीं बोलेंगे, इस राष्ट्र के लिए कभी नहीं बोलेंगे। क्या लग रहा है, जो लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए पश्चिम बंगाल के अंदर, समय की मांग? जी बिल्कुल, एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा भी कहना यही है कि बंगाल की जो स्थिति स्थान देनी है, वहाँ के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और वहाँ पर पूरी तरह से डेवलपमेंट, विकास जो रुक रही है उसकी गति, उसको निरंतर दिशा मिलनी चाहिए, वो राष्ट्रपति शासन से ही संभव है, वहाँ एक तरह से गुंडा राज चल रहा है। आखिरी कमेंट, ये इस साइलेंट मार्च से आज क्या मैसेज जो है वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गया होगा, क्या लगा? देखिए क्या है, हिंदू कभी हिंसा नहीं करता, हिंदू तो बहुत, मतलब कहते हैं कि अहिंसक है, लेकिन जब आक्रोश इतना बढ़ रहा है, हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है, हमें चैन से रहने और जीने नहीं दिया जा रहा है, लोगों अल्पसंख्यक बनाकर हिंदुओं को बांग्लादेश में जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, तो ये तो एक मौन, हमारी जो बहनों ने, मातृशक्ति ने मैसेज देने का कार्य किया है कि अगर बहनें रोड पे आ गई और माताएं रोड पे आ गई तो हम क्या कर सकते हैं। तो सिर्फ भारत में बैठी सरकारें नहीं, बल्कि विश्व में बैठी हुई यूनाइटेड स्टेट्स भी ले सकता है, तो एक मैसेज देने का प्रयास किया है।